अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NHDM 77 ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज कलकत्ता की रातें जो है वो दिखाता हूँ, कलकत्ता दिखने में कैसा लगता है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी फोर्ट विलियम में आया हूँ, ये फोर्ट विलियम का मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं विक्टोरिया जाऊँगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, देखते रहिए। ये घोड़ा गाड़ी है, तो मैं आपको बारी बारी सब बताऊंगा, दिखाऊंगा, बने रहिए। अब मैं चलते चलते विक्टोरिया मेमोरियल के सामने आ चुका हूँ, तो ये मैं रोड के इस पार हूँ। विक्टोरिया देखिए आपको नज़र आ रही है, ये येलो कलर में, तो ये रात के वक्त बंद हो जाती है, ये गार्डन के अंदर जाने नहीं मिलती है, तो इसका टाइमिंग है डे से स्टार्ट है और इवनिंग में फिनिश है, ख़त्म, बंद हो जाती है ये। तो आप जो है इसको जब भी आना हुआ इस जगह में, विक्टोरिया मेमोरियल में कोलकाता का, तो आप ज़रूर आइए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा जो ब्लॉग बना हुआ है पहले, वो आपको मैंने अंदर का सब दिखाया हूँ, तो मेरा ब्लॉग में जाइए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, तो आपको शेयर कर दूँगा लिंक को। आप देखते रहिए, यहाँ पे ये शूट हो रही है, चाहे ब्लॉग बनाने के लिए या चाहे TV सीरियल, मुझे पता नहीं है, मैं भी शूट कर लिया हूँ इसको, तो मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए। तो आपने देखा ये शूट अभी भी चालू है, मैं नज़दीक करीब जाके मैं वीडियो शूट किया हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है रात में। आप कभी भी आना हो अंदर की तरफ, अगर जाना हो गार्डन में, विक्टोरिया हॉल के अंदर, तो आप दिन में ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतिहास ही है, मलका विक्टोरिया नाम से ये बनाया गया, याद में अंग्रेज़ों के टाइम के वक्त से ये बना है, उसके याद में, मलका विक्टोरिया की याद में बना है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है ये। मैं एग्ज़िट गेट की तरफ आ गया हूँ, विक्टोरिया का एग्ज़िट गेट है, तो यहाँ पे रात के वक्त बहुत सन्नाटा भी है, तो दिन में ज़्यादातर सब आते हैं, शाम में चल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्री पार्क है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, मैं जो चल रहा हूँ मैं अभी उसको भी दिखाऊंगा। तो ये लवर के लिए है, मेल फीमेल जो आते हैं, दो प्यार करने वाले, तो यहाँ पर वो टाइम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वक्त गुजारते हैं। तो मैं अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, तो इसीलिए मैं बाहर से वीडियो शूट किया हूँ। तो ये आ गया बिरला प्लैटिनियम, जवाहरलाल नेहरू रोड में है कोलकाता का, तो इसमें भी सब दिन में आते हैं देखने के लिए। इसके टिकट चार्जेस 120 रुपीज़, तो रात के वक्त सब बंद हो जाती है। तो मैंने रात का वीडियो शूट किया हूँ, दिन का वीडियो तो ब्लॉग सब करते हैं, तो मैं रात का वीडियो शूट किया हूँ आपको दिखाने बताने के लिए कि कोलकाता कैसा लगता है दिखने में।
दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं, ये जवाहरलाल नेहरू रोड में है चौरंगी। यहाँ पे गार्डन है बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं जाऊँगा आपको लेके पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट में लाइटिंग डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है। बने रहिए चैनल में। दोस्तों ये देखिए ब्रिज के ऊपर लाइट लाइट पूरा फिट किया हुआ है। ये एस्प्लैनेड है। ये ब्रिज पे पूरा लाइट डेकोरेशन किया हुआ है, तो रंग बिरंगी लाइट है, हर कलर की है इसमें। तो मैं चलते चलते आपको ये भी दिखाता हूँ। अभी फेस्टिवल का टाइम है, अभी दुर्गा पूजा गया है, काली पूजा आने वाला है, दीपावली। तो इसके बाद मैं पार्क स्ट्रीट जा रहा हूँ दिखाने आपको। तो पार्क स्ट्रीट का डेकोरेशन देखिए। मैं पार्क स्ट्रीट आ गया हूँ। ये देखिए सीधा जो रोड जा रहा है, या गाड़ी चल रही है, या पार्क स्ट्रीट जा रही है सीधा। तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, सिर्फ आपको लाइट डेकोरेशन दिखाने के लिए आपको शूट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं सीधा एस्प्लैनेड निकलूँगा, एस्प्लैनेड जा रहा हूँ यहाँ से। तो रास्ते में आपको इंडियन म्यूज़ियम भी बता दूँगा, दिखा दूँगा, तो देखते रहिए। तो ये इंडियन म्यूज़ियम है जवाहरलाल नेहरू रोड में। तो रात के वक्त तो बंद हो जाती है, जब भी आपको आना होगा देखना होगा तो आप दिन में आइए, शाम के वक्त बंद हो जाती है। तो मैं रात को शूट किया हूँ इसलिए कि दिन का ब्लॉग तो बहुत सारे यूट्यूबर बनाते हैं। तो ये एस्प्लैनेड में आ गया हूँ, देखिए। तो ये मार्केट एरिया है, रात के वक्त बहुत भीड़ है, देखिए बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल टाइम चल रही है। तो ये आप यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है, श्री लेदर का भी शोरूम है, ये देखिए श्री लेदर। और इसके बाद मैं न्यू मार्केट के तरफ। रात में कलकत्ता कैसा लगता है, ये कैसा मार्केट है रात में कलकत्ता का मार्केट, आप देख के बताओ। वो तो नाम ही न्यू मार्केट, लेकिन वो बहुत पुराना ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक जगह है मार्केट में, बहुत पुराना ओल्ड मार्केट है, लेकिन नाम न्यू मार्केट। ये कोलकाता बाज़ार मॉल, और ये ख़रीदारी हो रही है रात में।
ये बहुत सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये न्यू मार्केट का बिल्डिंग है, लाल कलर का। लेडीज़ आइटम भी बहुत ज़्यादा है, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, सिंगार के चीज़, आपको हर किस्म के पर्स देखते रहिए। अभी हम लोग न्यू मार्केट आ गए। मैंने दिन में वीडियो तो बनाया था, मैं अब रात में न्यू मार्केट कोलकाता का दिखा रहा हूँ। ये चलते चलते मैं न्यू मार्केट आ गया हूँ। रात के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये ख़रीदारी हो रही है यहाँ पे। तो मेरा मकसद यही था कि दिन में तो आप लोग देखे हैं, तो मैं रात के वक्त का जो लाइटिंग है, डेकोरेशन है, कैसा भीड़ होता है, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ का मार्केट एरिया है, भीड़ है अभी। तो ये लेडीज़ आइटम देखिए, ये ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड भी यहाँ पे हैं। मॉल है, श्रीराम मार्केट है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, बताऊँ, और आप लोग को अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।